लाशों को सीढ़ियां बनाकर ऊपर चढ़ता गया। बिना किसी को जाने समझे उनका दिल जीतना डिफिकल्ट है, बट नॉट इम्पॉसिबल। मैं कभी किसी से मिलने से पहले। कौन है प्रभु का जासूस? कैसे होगी कहानी की एंडिंग? हेलो, मैं हूँ पूर्णिमा एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आपके लिए एक गुड न्यूज है। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। प्रभास अपनी अपकमिंग फिल्म सलार में एक सलारी का रोल प्ले कर रहे हैं। ये फिल्म KGF यूनिवर्स का हिस्सा होगी। फिल्म में प्रभास के अलावा श्रुति हसन, जगपति बाबू, पृथ्वीराज सुकुमारन जैसे कई एक्टर्स शामिल होंगे। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कहानी में सत्याराम यानी जगपति बाबू और सूर्या यानी महेश मांजरेकर सलार के बारे में चर्चा करते हैं। इधर प्रभु यानी प्रभास जेल के कैदियों की मदद से जंगल में एक सुरंग खुदवा रहा है। अगले सीन में सूर्या अपने सुरंग में पहुंचता है और देखता है कि उसके सारे हथियार गायब हैं। सूर्या अपने आदमियों से उन हथियारों को खोजने के लिए कहता है। तब तक प्रभु उसके सामने आता है। प्रभु के साथ रोमा यानी श्रुति हसन और रॉकी यानी यश है। सूर्या उन्हें देखता है और कहता है, तुम सब और यहाँ, तुम लोगों को इधर का रास्ता किसने बताया? प्रभु हंसते हुए कहता है, रॉकी को मैंने ही तुम पर नजर रखने के लिए कहा था और उसने ही मुझे तुम्हारी सुरंग का नक्शा भी तैयार कर दिया। पहले मैंने सभी बिजनेसमैन से तुम लोगों का पैसा बंद करवाया, फिर उनसे जो पैसा मुझे मिला उससे मैंने दारू की कई बोतल्स और खाने पीने का इंतजाम किया, फिर इंस्पेक्टर के साथ सेटिंग की और जेल के कैदियों से सुरंग खुदवाई ताकि तेरी सुरंग तक पहुँच सकूँ। क्यूँ सेठ, कुत्ता बन गया ना मालिक से बड़ा, अब देख कुत्ता तुझे कैसे काटता है। इतना कहते ही रॉकी और प्रभु मिलकर सूर्या को बहुत मारते हैं। इधर रोमा सूर्या के गुंडों को एक तरफ से गोली मारने लगती है। अगले सीन में सत्याराम के पास सूर्या का फोन आता है। सूर्या कहता है, भाई हमने जो सुरंग में विदेशों से लाए हथियार और बॉम्ब छिपा रखे थे ना, वो सब गायब है। मुझे तो लगता है ये सब उस सलार ने किया है। तुम जितनी जल्दी हो सके ना अड्डे पर पहुंचो। सत्याराम कहता है, ए तुमने मुझे अपने जैसा समझा है क्या? मैं रक्षा मंत्री हूँ, मेरे गनर्स हर वक्त मुझे प्रोटेक्शन देते हैं। चलो फोन रखो अब। सत्याराम कैबिन में बैठा अपने गनर्स को आवाज लगाता है। काफी देर होने के बाद भी जब कोई नहीं आता तो वो उठकर बाहर जाता है और देखता है कि दरवाजे पर ना उसके सभी गनर्स की लाशें पड़ी हैं। सत्याराम को अब वाकई डर लगने लगता है। तभी उसकी बेटी दौड़ते हुए उसके पास आती है। उसकी बेटी और कोई नहीं बल्कि रोमा है। रोमा के बॉडी पर हर जगह से खून बह रहा है। सत्याराम पूछता है, बेटा तुम्हारी ये हालत किसने की? तभी एक जोरदार धमाका होता है। सत्याराम बाहर झाँक कर देखता है और कहता है, ये बॉम्ब, ये तो हमारे बॉम्ब का धमाका है। वो जल्दी से रोमा के साथ भागने लगता है। रास्ते में चार आदमी हाथ में बंदूक लिए उसका पीछा करते हैं। सत्याराम रोमा के साथ भाग कर सूर्या के अड्डे पर पहुँचता है, जहाँ सूर्या ना उसका पहले से इंतजार कर रहा होता है। तीनों पोर्ट पर मौजूद शिप पर बैठ जाते हैं। सत्याराम कहता है, ए कौन कर रहा है ये सब, बता मुझे। तभी एक आवाज आती है, सलार, और अंधेरे से रॉकी बाहर आता है। सत्याराम कहता है, रॉकी तुम? रॉकी कहता है, अरे ऐसे हैरान क्यों हो रहे हो, अभी तो मैं आया था तुम्हारे ऑफिस। सीन पीछे जाता है जहाँ सत्याराम के ऑफिस में रॉकी पीछे से गनर्स का गला दबा कर उन्हें मार रहा है। रॉकी कहता है, सलार से नहीं मिलोगे। तभी प्रभु बाहर आता है और रोमा भी प्रभु और रॉकी के पास जाकर खड़ी हो जाती है। सत्याराम कहता है, ओह तो तुम सब मिले हुए हो। प्रभु कहता है, 15 साल पहले तेरे गुंडों की वजह से मेरी बहन ने आत्महत्या कर ली थी। रक्षा मंत्री बनकर ना जाने आज तक कितने लोगों के भक्षक बन चुके हो, तुम्हें छोड़े भी तो क्यों? अगले सीन में प्रभु जेल के सभी कैदियों के साथ अपनी एक गैंग बनाता है और माफिया वर्ल्ड का सलार बन जाता है। इसके साथ ही रोमा से उसकी शादी भी हो जाती है। क्या सलार बनेगी एक सुपरहिट फिल्म? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को।